ओम नमः ओम नमः ओम नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम जे जाया जाने कहे कम कलंक दहे निरंजनान मैत्रे परम नम समय साराय अनुभूत्या चकाश्री स्वभावाय भावाय सर्वभाव कसायों के भार से भारी होना ये प्रमाद है और ये न्याय है जो भारी होता है वह नीचे जाता है। अमित गति आचार्य ने तत्व भावना ब्रत हमारा एक पाठ लिखा 120 छंदों में, उसकी टीका में ये दृष्टांत है जो भारी होता है वह नीचे जाता है, हल्का होता है वह ऊपर आता है, तराजू के दोनों पल्ले समान है। जो भारी होता है और हल्का होता है वह ऊपर आता है। अगर आपको ऊपर उठना है लोक जीवन में भी तो हल्के होना सीखो। जितने परिग्रह के भार से भारी होते जाएंगे उतना ही अधःपतन होता जाएगा, जितनी कषायों से भारी होते जाएंगे नीचे गिर जाएंगे अधःपतन। और दिखाई देता है, ज्यादा गुस्सा करो कोई कदर नहीं करेगा। फिर वे तो जो ही बड़बड़ाते जाते उनकी आदत पड़ गई, बहुत अहंकार होगा आपको कोई नहीं पूछेगा। अति सर्वत्र वर्जित मायाचारी करोगे घुमाओगे फिराओगे कोई बात नहीं करेगा कल। अरे कोई बात नहीं समझ में आई, सीधी सीधी कोई बात ही नहीं करती, यानी कितना पेट में यानी क्या है। बहुत लोभ होगा तो दशा दी गई लोग क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि हमको लगता है हमारी कसाएं मंद है, आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारी कसाएं तीव्र है। अगर कसाएं मंद होंगी तो आलस्य नहीं होगा, लापरवाही गैर जिम्मेदारियां नहीं होंगी, दूसरों की ओर देख देख करके दूसरों पर दोषारोपण नहीं होंगे। कसाय की तीव्रता में दूसरे का दोष निकालने का प्रयत्न रहता है, कसायों की मंदता में अपना दोष दूर करने का उद्यम होता है। दो दिन चर्चाएं हुई अपनी मीटिंग समझ लो, हमने निर्णय लिया दूसरों को लापरवाह करने वाले स्वयं लापरवाह है, आप लापरवाह हम लापरवाह, आपको पता ही नहीं हमारे यहां हो क्या रहा है। उसके बाद भीतर देखो तो बेलापरवाह क्यों, एक एक आदमी पर तीन तीन काम है, एक एक आदमी पर कोई काम नहीं। हमने जब सर्वेक्षण किया भीतर हमने कहा देखो हो सही नहीं, जे कौन ये भी यही करेंगे, जे कौन ये भी यही करेंगे, जेठ ये भी यही करेंगे, ये दो चार हाथ उठेते ऐसा नहीं है, बहुत लोग गैर जिम्मेदार है। हम करेंगे सब जिम्मेदारी, कुछ नहीं करेंगे, ये शैली बहुत गलत है। आज अपन बैठ करके लिस्ट बनाओ और जिम्मेदारी ले वो। लेना पड़ेगी, ये कोई बात थोड़ी है, तुम्हारी जिम्मेदारी कल कौन लेगा। कसायों के बाहर से भारी होना, अगर हम हमारे पास नहीं है ताकत नहीं है बुद्धि नहीं है तो हमें इनके क्या मतलब है। हम थक गए, हम नहीं कर पा रहे, अभी बड़ी विनम्रता है हम थक गए, थोड़ी हमारा दर्द हो रहा है, अभी हम ये काम नहीं बेक्यों नहीं कर रहे, ये कहने का तरीका कौन था हमारा। मतलब हमारा
जो कार्य शैली है या चिंतन शैली है, वचन शैली है, चिंतन शैली सोचने का तरीका, वचन शैली बोलने का तरीका, कार्य शैली करने का तरीका, एकदम बहुत कोमल होना चाहिए। कई बार बड़े लोगों की बड़ी जो वो व्यवस्था होती है, हम जान लेते इनकी प्रकृति ऐसी है, तो इनसे कह देते, अब इनको कह दे तो जिनसे क्यों नहीं कहते, अरे इसलिए नहीं कहते अभी यार कसायती ब्रोगी वातावरण खराब हो गया। समझ में आया ना, उस बात को समझना चाहिए। देश के सारे बड़े बड़े ऑफिसों में यही हो रहा है, अरे जैन साहब तुम कर लेना जरा, वो तब ऐसा ही है, अभियाल वो दादागिरी करेगा, अभियाल वो नेतागिरी करेगा, अभियाल आफत करेगा। इसका मतलब उसको सह देना नहीं है, वहां तो थोड़ी मजबूरी इतनी बंधी है, कुछ बात अलग है, लेकिन सह देने की बात नहीं है। बात काम निपटाने की है, पर की ओर देखने की जो प्रवृत्ति है वह समझ लो हर समय तीव्र कथा है। कभी अपनी तुलना नहीं करना चाहिए दूसरों से, हम हैं भाई, अब हम ऐसे नहीं हो सकते भाई, टोटामल जी नहीं हो सकते, टोटामल जी टोटामल जी थे बस, कुंद थे, अमृतचंद स्वामी अमृतचंद थे, समंतवत स्वामी समंतवत थे, सबके औदयिक भाव अलग अलग हैं, औदयिक भावों की तुलना नहीं हो सकती। कुंद स्वामी कहते हैं नेज और पर समय के साथ बात मत करो, अपन मौन होकर के अपना काम करो, और वे समंतवत स्वामी कहते हैं बादार्थी विचराम हम नरपति सादुर विकृतम, बाद के लिए हम सादुर थिंक के समाने आ जाओ। अब ये कोई बात है, अब कौन ज्ञानी, तो दोनों ज्ञानी हैं कि भेद ज्ञान चल रहा है, ये कसाई की व्यवस्था है अलग है। टोटरमल जी कहते हैं धर्म के कार्यों की आजीविका नहीं करना चाहिए, और सदा सुखदास जी कहते हैं धर्मात्मा और जीव की आजीविका लगा देना चाहिए, निश्चिंत कर देना चाहिए आजीविका। अब बता दोनों पंडित जी विरोधी हो गए हैं, टोटरमल जी कुछ कह रहे, कौन की माने, चाहे काव की मान ले। उन्होंने कहा उसकी आजीविका लगा देना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोपी, और इनसे कहा आजीविका नहीं करना चाहिए, माने आजीविका का अभिप्राय ही नहीं रखना चाहिए, हमें क्या मिला वो, हमें क्या फायदा, हमें क्यों लगे रहे, हमें क्या तनख्वाह मिल रही है, हम का नौकर है। अरे ये क्यों सोचने लगे इन बातों को, पंडित सदासुखदास जी को स्वयं जीवन में देखो आप, सबकी तनख्वाह बढ़ गई और पंडित जी से किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और अपने आराम से मौन साधे गए। अब आप सोचिए, एक दिन राजा की उपयोग निगाह गई, बोली क्या क्यों पंडित जी, ये क्या मतलब, आप इशारा तो करते कम से कम, काय का इशारा करते, ये काम हमारा नहीं है। सब लोगों को क्यों भाई, ये क्या अन्याय है। लेकिन पंडित जी को कुछ नहीं लगा, हमने किसी की ओर ध्यान नहीं दे पाया होगा, घंटे दो घंटे घड़ी दो घड़ी प्रतिमा छिपाई तो 22 वर्ष लग गए, हमने नहीं ध्यान दे पाया तो इसका मतलब हमको इतने वर्ष लगेंगे, ये समझ लो हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया, वो तुम्हारी तबीयत खराब थी हमें ध्यान नहीं दे पाओ, क्या दिन, एक दिन 24 घंटे 24 वर्ष न लग जाए तुम्हारी ध्यान रखना, ध्यान न दे पाए कोई फिर मत रोना, 22 घड़ी के 22 वर्ष जब लग गए हैं तो 24 घंटे के 24 वर्ष लग जाए तो क्या परेशानी, वो हम ध्यान नहीं दे पाए। अति भारारोपण भी परेशान करता है आदमी, अति भारारोपण करने से बचिए।
आप ज्ञान मात्र हैं, अध्यात्म सुनो तो ज्ञान मात्र हैं, ज्ञाता ही रहो, कर्ता बनने की कोशिश करोगे जीवन परेशान होगे। शरीर में देखो तो जितना भोजन पचाने की शक्ति उतना भोजन करो, जितना काम करने की शक्ति उतना काम करो। ज्यादा काम करोगे या ज्यादा भोजन करके लेटे रहोगे आराम से तो समझ लो आप जबरन बीमार हो गए, निश्चित है। ये स्वास्थ्य विज्ञान का सूत्र है, अध्यात्म का नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान का सूत्र। क्या? शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम में संतुलन रहना चाहिए। शारीरिक श्रम में और मानसिक श्रम में संतुलन रहना चाहिए। एकदम मानसिक श्रम आज बढ़ गया और शारीरिक श्रम घट गए, इसलिए ये बीमारियां भी हो रही हैं। प्रतिरोधक क्षमता खत्म। भीड़ ऐसे चढ़ते हैं रोज पहाड़ पर, आप और हम चढ़ते हैं तो मालिश करानी पड़ रही। क्यों? वे रोज चढ़ रहे हैं, हम नहीं, रोज नहीं चढ़ रहे। खाने को आप भी सत्तू खा रहे, तुम क्या खा रहे बताओ? इतना पौष्टिक आहार उनको कहां है? लय सत्तू उन्हें और ऐसे लय और नमक से अपने खा लिए। ये अभ्यास की बात है। आप 8 घंटे बैठ जाओगे दुकान पर, हम 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। हम यहां 1 घंटे बैठे बोलते रहेंगे, आप 10 मिनट नहीं बोल पाओगे। ये अभ्यास की बात है। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यासे। अनभ्यास होने पर विद्या विषम होती है, कार्य विषम होता है। हैं, इनको 4 आदमी आ जाए तो अभियाल बना देंगे रोटी, और अपन को अकेले बनाना पड़े अकेले के लिए। अब क्या करें, क्या बना, चलो उठा देखा दें। मतलब जितनी देर अपन बना देंगे उतनी देर तो सोचने में लग जाएगी अपन। क्यों? रोज नहीं करते। और कार्य से कभी जीव कमजोर नहीं होता, ध्यान रखना। सेवा हो चाहे उपासना हो भक्ति हो, कभी कार्य दुष्कृत्यों से जीव कमजोर होता है, उत्तेजना से जीव कमजोर होता है, कसायों की तीव्रता से जीव कमजोर होता है, विषयों की आसक्ति से जीव कमजोर होता है, काम से कभी कमजोर नहीं होते। काम होना चाहिए अच्छा, सत्कार्य, आराधना उत्तम है। आराधना वाले जीव कहां कमजोर होते हैं बता? कितने परिचय सहजा थे जिनको सुनना हमें सर, हमसे सुनने में भी सहन नहीं होती और उनके ऊपर बीतती है, बेसहन कर रहे। तो एक बात समझ में आ गई क्या? दूसरों से कभी तुलना मत करो। हम हैं, अहंकार नहीं है ये, लेकिन बस अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करो। उपकार के बिना जो अधिकार की बातें करता है वह अधिकार का पात्र होता है। अधिकारी सदैव कर्मचारियों के उपकार की बात सोचता है, मतलब अनुचित सेवा नहीं दे, सुविधाएं देना चाहता, ये नहीं कह रहे। उपकार माने कर्तव्यनिष्ठ बनाता है अपने कर्मचारियों, मजबूत बनाता है। जैसे वो ठोंक ठोंक करके गले को बढ़िया मजबूत करता है, ऐसे अधिकारी हो, अध्यापक हो, गुरु हो, वो ठोंक ठोंक के तुम्हें मजबूत बना रहे सहन शक्ति करने के लिए। लेकिन अगर भला नहीं सोचता है तो वो अधिकारी नहीं है, उपकार। अधिकारी बनने के लिए उपकारी बनना पड़ेगा, उपकारी बनने के लिए वितरागी बनना पड़ेगा। वितरागी बनने का मतलब, पूर्ण वितरागी तो नहीं कह सकते हम अभी, लेकिन राग में उपाधेय बुद्धि, सुख बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा विषयों में। अगर तुम अपने विषयों में की सुख बुद्धि नहीं छोड़ पाओगे, अपनी राग की ही पूर्ति में लगे रहोगे, तो आप कभी दूसरों का उपकार नहीं कर सकते। तुम्हारा भी पेट नहीं भर पाओगे तो तुम दूसरों का क्या भरोगे? बहुत लोग कह रहे थे क्या करें, अब हमारी गुजर नहीं होती, तुम्हारी गुजर ना भैया ना होगी। क्यों? तुमने दान नहीं किया है, उपकार नहीं किया है।
उपकार करो, उपकार करने का मौका कभी मत चूको। तो तुलना करने की कोशिश मत करो, इनको सब पूछते हमें नहीं पूछते, नहीं। अगर आपका उपयोग भी जाता है और ज्ञान में आता, ज्ञान का काम जानने का है, तो आप विचार करिए इनको क्यों पूछते हैं, हमें क्यों नहीं पूछते, क्या बात है, हमारे में क्या कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा, इनको सब पूछते हमें नहीं पूछते। तो अध्यात्म शैली में कर्ता ज्ञाता रहो, बाद बाकी जितने भी विकल्प हैं वो अति भारारोपण करना है, आत्मा के ऊपर अति भारारोपण मत करो। मतलब पर के कर्तत्व का बोझ मत लो, ये शास्त्रीय शब्द हो गया। कोई एग्रीमेंट, अनुबंध, प्रतिबंध निर्गंध मार्ग में नहीं होते, ग्रस्त मार्ग में नहीं होते। ऐसे व्यापार के अनुबंध एग्रीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, दो देश अगर एग्रीमेंट अनुबंध न करें तो क्या करेंगे, बताओ। पड़ोसी पड़ोसी के भी एग्रीमेंट, अपने तो गांव में ऐसी चर्चा, भैया दो दीवार, एक ही दीवार बना लियो, आधी पर तुम चढ़ा लियो, आधी हम चढ़ा ली, चौड़ी दीवारें बनती थी, भीम भीम की व्यवस्था नहीं थी, जाई पर तुम पटिया धर लियो, हम उधर लिया, आधो आधो खर्चे दे दिए, और नहीं जमीन तुम्हारी हो गई, तुम्हारी जमीन में बना लीजिए, हमारी जगह कम पड़ रही है, और तुम पटिया धर लियो, हाँ तो ठीक है। आज भी अपनी बनी है दो दीवार, अभी 10 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले, ठीक है, कौन उठा ले जा रहे हो, कहा तुम ले जा रहे, कहां ले जा रहे। लेकिन अनुबंध करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक मंजिल तक अपन सामल बना लो, ऊपर से तुम 9 इंच बना लो, हम नहीं बना रहे तो, और 9 इंच की हमारी छोड़ दे, माने अनुबंध करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। कॉलोनी में फ्लैट लोगे, मकान लोगे, अनुबंध होंगे कि नहीं, इतना मेंटेनेंस खर्चा देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा। लेकिन वे एक व्यवस्थित और अनुशासित हैं, अति भारारोपण नहीं। शरीर पर अति भारारोपण मत करो, काय का, न भोजन का, न भोगों का, और न कर्तव्य का। जितनी शक्ति है उतना काम करिए, छिपाओ मत, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना पछता जाने उतना भोजन करे, टोटो मल जी ने खुद ही लिख दिया ये दस्ते, इतना भी ज्यादा खाने की कोशिश करोगे आप परेशान हो जाओ बिल्कुल। ये दिमाग कभी मत लगाना कि वो खराब जाएगा, वो खराब जाएगा किसी जरूरतमंद को दे दो, खराब नहीं जाएगा। अब ये कपड़ा खराब जाए, अरे कोई दूसरे को दे दे, अपन ना पहन दे, खराब क्यों जाए। व्यर्थ और खराब तो तुम्हारे विकल्प हैं, तुम्हारा मोह है। एक दृष्टांत सुनाया था पहले, एक आदमी को बैठे बैठे जाने क्या दिमाग पे आ गई, दुनिया में व्यर्थ की कितनी चीजें हैं, फालतू की चीजें, व्यर्थ की चीजें कितनी हैं। उन्होंने कहा मिट्टी व्यर्थ है, मिट्टी व्यर्थ है तो खेती कैसे होगी, पाषाण व्यर्थ है तो मकान कैसे बनेंगे, घास व्यर्थ है तो छप्पर कैसे ले आएंगे, पशु क्या खाएंगे, ये बूढ़े बेकार हैं, व्यर्थ है निका कर तो बता, तो ये बताओ बाल बच्चों को कौन रखाएगा, संस्कृति की सुरक्षा कौन करेगा, संस्कार कौन देगा। और तुम अपने चले जाओगे, तुम तो सो जाओगे जगह को रात में, हंसने की बात नहीं है। हाँ बूढ़े तो बड़े काम के, बूढ़े बड़े काम के, ऐसे चलता चलता गया। ये लोलंगड़ बेकार है, लोलंगड़ बेकार है, जिसका भी काम आ जाता, उन्हें शरीर बेकार है, अरे राख बन जाएगी, गोबर बेकार है, खाद बन जाएगी, फलाना जब बेकार, चलते 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 चला गया, उसकी दिमाग ही नहीं काम दे, बेकार की कोई एक चीज समझ में नहीं आई। अब वो पहुंचा गुरु महाराज के पास, हे गुरुदेव, हे आचार्य महाराज, हमारे दिमाग में अब आ गया प्रश्न, तो आ गया समाधान, तो आप करेंगे, बेकार की चीज क्या है, कि बेकार का तुम्हारा मोह है।
तुम्हारे विकल्प बेकार हैं और कुछ नहीं है। ये बता मोह से क्या हो जाएगा। असवेर स्वाध्याय कर रहे थे तो लाइन उसमें तो नहीं आई है, विचार में आई हमने, देखो आय पूरी होगी तो फिर औषधियां हो, डॉक्टर हो, हम तुम हो, मंत्र हो, देवी देवता हो, कोई नहीं बचा पाए। का मतलब होगा भवितव्य को बदला नहीं जा सकता, स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, स्वीकार करके ही उसे उपयोग करना सीखो। हम लौकिक दृष्टांत देते हैं, नीम को बदला नहीं या कड़वा को मीठा नहीं किया जाएगा, मीठा अलग है लेकिन उसके कड़वेपन से आप अपनी इलाज करो। नहीं, हम नीम को मीठो करने में लगे, भौतिक विज्ञान यही तो कर रहा है, नाशवान को अजर अमर बनाना चाहता है। अब नाशवान तो नाशवान रहेगा, अजर अमर आत्मा है, उस आत्मदृष्टि से अपने अमर हो जा। तो कभी तुलना करने की कोशिश मत करो, अति भारारोपण की कोशिश मत करो। अगर तुलना और अति भारारोपण की बात है अति कर, तो आराधना में करो, कितनी करोगे तुम। अति सर्वत्र वर्जते, ये भी स्याद्वाद का कथन है। आराधना 24 घंटे भी की जाए, जीवन भर भी किया जाए की जाए, तो अभी अति नहीं है, तो अभी आनंद कारक होगी। मतलब 24 घंटे अपने को आत्मा देखें, अनंत काल तक अपने को आत्मा देखेंगे तो अभी कोई नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ है और देखना ही है। कैसे आप ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा नहीं होगा। बेकार के हमारे विकल्प हैं, इन विकल्पों की अति परेशान कर रही है। चिंतन शैली, वचन शैली, कार्य शैली बिल्कुल सुधारी है। चार काम है आपके पास, सबसे पहले ये देखो उपयोगी कौन सा है, अभी महत्वपूर्ण कौन सा कार्य है उसको पहले करो, गैर महत्व का कार्य बाद में हो जाएगा। पहले गैर महत्व का काम करोगे और फालतू के काम में लगे रहोगे तो बेकार हो जाएगी। दूसरों से तुलना मत करो, अगर तुलना करना ही है व्यवहार नए से तो फिर तुलना करके आगे बढ़ो, ऐसी तुलना करो जो आगे बढ़ाए आपको। ये इतना करते हैं हम, आगे बढ़े आप। मुनराज का जीवन देखो, उनसे तुलना करके अपने, अरे हम तो कछु नहीं कर रहे, आगे बढ़ो। इन लोगों से तुलना क्यों करते हो, फेल होने वालों से तुलना करके अपना जीवन बिगाड़ोगे, फेल होगे क्या। मरने वाले से तुलना करके, चोर जुआरियों से तुलना करते, बहुत लोग कहते उनसे तो हम अच्छे ही हैं, किन से अच्छे कह रहे हैं। कोई सोना खरीद के लाया, दृष्टांत बताया था, याद है, बोलो। सोना खरीद के लाया, देखा, देखियो, बोले क्या कर रहे, ये पॉलिश है पीतल धरी, बोले लोहे से तो अच्छी है। माने ये कहां की भाषा आ गई, ये बताओ, ये कहां का सोच है कि लोहे से तो अच्छी है। ये बबूला की लकड़ी ले आए, बोले कौआ से तो अच्छी है, जो कोई बात रही। अरे जब शीशम के पैसे दे करके आए तो ये बबूल की क्यों ले आए, भीतर भी सब घुन जाएगी, फिर क्या करोगे। हम उनसे तो अच्छे जो मंदिर नहीं आते, अब बताओ जो कोई बात नहीं। जो तुलना तुम्हारे अभिमान को पुष्ट करे, जो तुलना तुम्हें प्रमादी बना, तुम्हारे दोषों को बढ़ा है, ऐसी तुलना मत करो।
तुलना करो तो किनसे करो, नकल करना है, सही की नकल करो, नकल है गलत की नकल करोगे तो क्या होगा, देखो भैया मुखिया बनना भी कठिन है, मुखिया बनाना भी कठिन है, गुरु बनना भी कठिन है, गुरु बनाना भी कठिन है, मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान सौ एक, एक के ऊपर तीन छोड़ दिए, एक के ऊपर एक, ये मुखिया का काम नहीं, ये मुखिया की काम सोच नहीं, कॉपी पे लिख रहे और अपने को होश नहीं है, कहां है कहा है, बस बंद कर दी, तुमने कई सो हमने लिख दे, जी काम जी करेंगे, जी जी करेंगे, और धद्दा ही उठाएगा पतो ही नहीं है, तुमने कई तो हमने लिख दे बस। अरे शाम को देखो तो इसने ये काम किया कि नहीं किया है, वो कार्य करने वाले ठीक है, अब आप जो कहो सो करेंगे, जो कहो सो करेंगे बस, माने तुम कहो तो करें, नहीं कहो तो हम अपने जी बैठे, फ्री हो गया बिल्कुल। ये गलत शैलियां हमारे जीवन को बर्बाद करेंगे, ज्यों का त्यों सरदान हो, अरे ज्यों का त्यों क्या होता है, उसका कभी अर्थ करते हो कि वैसे ही करने, ज्यों का त्यों जैसे का तैसा, जैसा भगवान ने कहा है, अरे कैसा कहा है ये तो बता, अब हमें खुद ही नहीं पता, अगम में जो अहिंसा का स्वरूप कहा है, अरे क्या कहा है जे, तुम तो बद... अब भी बेचारे बिना आगम बारे बैठे, तुम कह रहे आगम ने जैसा स्वरूप कहा है, जैसा कल कहा था हमने, अरे बेचारे ये आज ही आए, आज ही आए, कल आए नहीं थे, अब तुम इनके साथ जैसा हमने कल कही थी, और इस वाक्य की जगह अगर एक सार्थक वाक्य बोलो, माने निरर्थक वचनों का प्रयोग मत करो, संदेहास्पद वचनों का प्रयोग मत करो, अधूरी सुनो मत, अधूरी बोलो मत, अधूरी मत सुनो, अधूरी मत, वचन की विशेषता क्या बताई, मिष्ट बोलो, स्पष्ट बोलो और हितकारी बोलो, प्रामाणिक बोलो, वचन एक है, वचन आपकी एक शक्ति है, तो ये जैसा तैसा जो सो, ये बड़ी गोलमोल बातें हैं, इनमें कुछ नहीं होता, क्यों हमें कुछ स्वरूप स्पष्ट नहीं है तो हम दूसरे क्या बताएं, भगवान ने जैसा कहा है, भगवान की वचनों की श्रद्धा करनी है, जैसा कहा है, जैसा कहा है, तीन चार दफे बोल गए, टाइम पूरा बर्बाद हो गया, समझ में आया ना, स्पष्टता आना चाहिए, स्पष्टता लौकिक में भी काम करने की, जब बोलने की याद आती है तो सहेतुक बोलिए, पहले हेतु बताइए उसके बाद, ये नहीं है पहले अपने एक सीधी करी, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब पूछे वो क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, अब इतने प्रश्न किए जाए तो वक्ता का लक्षण क्या लिखा, स्वयं प्रश्न उठा करके उत्तर दे रहे, दूसरी बात प्रश्न उठाने के लिए गुंजाइश नहीं हो वो वक्ता है, आप लौकिक में भी क्यों, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती छुट्टी की बताओ, कल हम नहीं आएंगे, कल की हमें छुट्टी दिया है, बोलो बोलो है, सम्माननीय आदरणीय जो कुछ भी है लिखा ना, उसके बाद हमारे घर पर फलाना काम है, पिताजी की तबीयत खराब है या मेरी तबीयत खराब है, कृपया मुझे छुट्टी दी जाए, माने उस एप्लीकेशन को पढ़ करके कोई प्रश्न न करना पड़े, आपकी बात को सुनकर के प्रश्न नहीं करना पड़े, क्यों कहां कैसे,
हस्ती हो तुम ही लोग बोलती हो बोल। जब जी इतने दिनों स्वयं ये स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, समझो इन बातों को। हंसी मजाक में टालोगे तो वाणी जी कहते थे हंसी मजाक के लायक भी नहीं रहोगे, रोना ही रोना जिंदगी में रह जाएगा हंसी में टालोगे तो। ये बातें हंसी में मत टालो। मालूम है किस प्रसंग में कहा था? एक संयम और सील की बात थी। घटना ऐसे घट गई, एक महिला जा रही थी मंदिर से, वो पंचकल्याणक या कोई आयोजन का काम हुआ बड़ा, सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी, जरा सुंदर भी थी और जरा वैसे भी अपमस्त। आप अपनी मर्यादा सुरक्षा सदैव अपने पास रखिए। उसने जाने क्या किया, ये कैसे कंकड़ी मार दी, उसने देखा नहीं होगा तो कंकड़ी ऐसी मार दी, तो उसकी निगाह बहुत बन गई दुर्गा, फटकार दिया। क्या क्या समझता है तेरी ड्यूटी किसने लगाई है? तेरे साहब के पास जाती हूं, अब वे नहीं सुनेंगे तो बड़े साहब के पास जाऊंगी, वो नहीं सुनेंगे तो वहां जाऊंगी, समझती क्या? ये कंकड़ी ये क्या तरीका है? पैर छुए क्षमा मांगी, फिर वो जाने क्या कोई प्रसंग बना सो भाषण देने खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा देखो शील को तुमने क्या समझ रखा है, ये संस्कारों की कमी है और हमारी कायरता है बहनों की। आज महिलाओं का जितना भी हो रहा है प्रदर्शन और हर कार्य में दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसी पैम्पलेट वो पूरे चित्र वित्र सब उल्टे सीधे गाने फाने, महिलाओं का दोष है। आप महिला अधिकार की बातें करती हैं, महिलाओं की ये बताओ ये क्यों नहीं मांग कर रही आप लोग? खड़े होकर इसके लिए अनशन कोई करने वाला नहीं है, सबरी नेता इकट्ठे बैठे। अपनी मर्यादाओं का पालन स्वयं क्यों नहीं करती? अपनी रक्षा अपने आप। उन्हें कहा देखो उस समय ये तमाम बातें नहीं थी। उन्हें कहा देखो सील का पालन, सील हमारा रत्न है और एक बच्चे का जन्म हुआ तो दूसरे बच्चे में कम से कम 4 साल लग जाने चाहिए, तब तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तो कोई हंस गया होगा। उन्हें कहे हंसी में टालोगे तो हंसी के पात्र भी नहीं रहोगे, हंसी में टालने की बातें नहीं है ये, जरा ढंग की कपड़े पहनो सांस दे। अरे हंसने की बातें नहीं है, पहनो ढंग से। बच्चों में ये संस्कार देने की जो बात है तो सील के संस्कार देने का मतलब है सील विरुद्ध कपड़े भी उन्हें नहीं पहनाया, मर्यादित कपड़े पहनाई, मर्यादित कपड़े पहनो कुछ नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे 4 दिन बाद, और लोगों के लिए तुम्हारा जीवन है कि अपने लिए जीवन है ये बता, लोग क्या कहेंगे? आप तुलना करिए तो केवल ऐसी तुलना करो जिससे तुम्हारे परिणाम ऊपर चढ़ते रहे, तुम्हारा जीवन उत्थान उन्नत होता जाए। इच्छाएं तुम्हारी घटती हैं, ये तो मार गई है इच्छाओं को जीतने का, कसायों को जीतने का, मोह को जीतने का, और जहां हमने मोह में पड़े बस गए काम से। संसार का या दुखों का एकमात्र कारण मोह है, दूसरा कोई कारण परमार्थ से है ही नहीं। अंतरंग कारण मुख्य कारण मोह है, मोह से कर्म तो मोह से ही तो कर्म बंद रहे, ये परिग्रह के मोह से ही तो परिग्रह हो रहा है। निर्मोही जिनेश्वर भगवान का समोषण परिग्रह नहीं होता,
कितनी अद्भुत विभूति है समोषण की, लेकिन परिग्रह नहीं कहलाता। क्यों? मोह हो तो परिग्रह, परिग्रह दो प्रकार का नहीं, एक बहिरंग परिग्रह एक अंतरंग परिग्रह, दो प्रकार का नहीं है। परिग्रह का निरूपण दो प्रकार के, अंतरंग परिग्रह परिग्रह है, हैं? और जब अंतरंग परिग्रह परिग्रह है तो उसका निमित्त और सहचर उसको भी परिग्रह ही संज्ञा दी जाएगी। जो परिग्रह तो है नहीं परंतु परिग्रह का निमित्त है, परिग्रह का सहचर है, माने मूर्छावान जीवों के साथ में पाया जाता है, मूर्छा को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है निमित्त की अपेक्षा। वह बाह्य संयोग बाह्य पदार्थ भी परिग्रह कहलाते हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन। ये कपड़े परिग्रह नहीं है, लेकिन जो राग है वो राग परिग्रह है, तो राग का निमित्त होने से वो कपड़े भी परिग्रह है, घर भी परिग्रह है, पैसा भी परिग्रह है, बाल बच्चे भी परिग्रह हैं, शिष्य आदि को भी परिग्रह कहा। अगर अंतर में मूर्छित हो या मेरे इतने शिष्य हैं तो, और सबको अपने अनुकूल परिणमाने की अपने हिसाब से चलाने का भाव हो गए तो वो शिष्य भी परिग्रह हो गए। गुरु शिष्य का संबंध ना होकर के परिग्रह परिग्रही का संबंध हो गया, ये स्वस्वामी का। सदैव इस बात का ध्यान रखो, तुलना किसे कर रहे हो? आत्मा अनुपम तत्व है, और आत्मा की आराधना भी अनुपम भाव है, और मोक्ष अनुपम दशा है, अनुपम गति है। बोलो, तुलना तो कहां करोगे? तुलना कर करके तुम, ये तो बहुत छल है, अति तीव्र कथा है। दूसरों से तुलना करके अपन बचने की कोशिश करें, अपने दोष को पोषण करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि समझते हो? चार लड्डू रखे थे, दो लड्डू गायब हो गए। माँ ने पूछा, क्या ये लड्डू कौन ने खाए? चुप रह गए। पहले तो चुप रहने की आदत है ही, और फिर जब ज्यादा जोर से, उसने भी तो खाए थे, मतलब हमने तो खाए, सीधी बात हो गई, उसने भी तो खाए थे, वो क्यों नहीं करता? क्यों? खीर अकेले मिल जाए तुम्हें, उसको ना मिले तो जी नहीं कहोगे हैं, अरे कम है आज तुम्हें खा ली? अरे नहीं, कम है तो खा दी आज, इन्हें कम कम खा ली, ऐसे नहीं बोलोगे। सोचो सोचो समझो, अरे कम है, अरे कम है तो नेक आधी आधी बांट लें, नेक कम कम खा लें, क्या बात है? तीन जने आए गए, अरे तो नेक और क्या में से नेक नेक कर ले। हमारे मजदूर लोग कई बार इतने, अरे महाराज प्रसाद है, प्रसाद का कौन जाए, वो प्रसाद तो प्रसाद है, मां से चढ़ा दे उतने ही में हो जाए। मतलब तुलना करने में हम काय से ऐसा तुलना करते हैं जो अभिमान हमारा पुष्ट हो, हमारी इच्छाएं बढ़ जाए, हमें ईर्ष्या बुद्धि उत्पन्न हो जाए, हम दुखी हो जाए। अरे तुलना करो तो ऐसी तुलना करो जो हमारा अभिमान घट जाए, और वो गुणों में तुलना करोगे तब बनेगी, गुण ग्रहण का भाव रहेगा तब। समझ गए क्या बात हो गई? नंबर एक, अरे कहां भी डर के बैठे, बोल दिया। अरे राम राम राम, बताओ यहां बैठा दो तो अभी बोलोगे, वहां बोलने में क्या तकलीफ होगी? यहां कछु और है, वहां कछु और। बोलो। नंबर एक, कसायों की तीव्रता को पहचानो, कसायों की तीव्रता को कसायक की मंदता मत मान बैठो।
उसे धर्म मानने की तो जरूरत है ही नहीं। जो दुख को बढ़ाएं, समस्याओं को उलझाएं, वो मंद कथा और सही चिंतन नहीं हो सकता। वो सही औषधि नहीं हो सकती जो रोग को बढ़ाए, वेदना उत्पन्न को बढ़ाता जाए। नहीं, कथा के बाहर से भारी और भारी होता है सो नीचे जाता है। नीचे जाना हो तो संसार में भी अधोगति होगी, अवनति होगी, व्यापार में अवनति होगी। अगर आप गुस्सा ज्यादा करोगे दुकान पर बैठ के, अगर अभिमान करोगे, आलस्य करोगे दुकान पर बैठ के, ताश खेलने लगे तो अरे 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 वहीं बैठे खान पीन लगे, धरे 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 चाट पकौड़ियों में बाजार में बिकने वाली उपयोग रहा, आपका व्यापार नहीं चल पाएगा। व्यापार में अवनति कर पाओगे, शिक्षा होगी तो शिक्षा में अवनति होगी आपकी। जो भारी होता है वह नीचे जाता है किसी भी क्षेत्र में। आज पेट भारी है, माथा दर्द कर रहा, पेट हल्का हो गया, माथा दर्द बंद हो गया, माथा देखो। तो हल्के होने की कोशिश करो। दोष जब तक नहीं कहे जाए, जब तक उनका प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं किया जाए, भारी रहता है दिमाग। और जब उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लिया जाता है, हल्के हो जाते। दूसरों से दुख कहने से अपना दुख हल्का हो जाता है, लेकिन चाहे किसी से नहीं। चाहे किसी से नहीं, अपनी कोई उलझन घर आकर के बच्चे ने पिता से कह दी, मां से कह दी, बड़े भाई से कह दी, हल्का हो गया वो। अब जा तुम रोटी खा, हम देखते हैं। तुम जा, वो आज हमसे ऐसा कह रहा था और वो उससे कहा अब तुम निकलो तो हम देखेंगे तुम्हें, तुम जा रोटी खा पढ़ो, हम देखते। माने अपन हल्के हो गए और वो भारी हो गए। ये समझो भारी कैसे होते हैं, कसाएं बढ़ती जाती हैं, भारी होते जाते हैं। ये तो आप लौकिक में भी देख रहे हो, शरीर जितना भारी होता है उतना ही बीमार परेशानी होती है, और शरीर जितना हल्का होता जाता है उतनी आराम होती। भारी शरीर वालों को एक ही उपाय बताते, वजन कम करो। तुम 100 रोगों की एक ही दवा है, दूसरी दवा है ही नहीं, दूसरी कोई दवा नहीं काम देगी। आप वजन कम करो, ऐसे यहां वजन कम करो, ये कर सकते का। दूसरा क्या बताया था, उपकार के बिना अधिकार के आप भाषा बोलना आपका अन्याय है, अधिकार जताना अन्याय है। अधिकार तब है जब उपकार करो। माता का अधिकार है, क्यों, माता ने 9 महीने पेट में रखा है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, और उस मां की ताड़ना को बच्चा सहन कर लेगा। और तुम चाहे कर दादागिरी करो, ताड़ना करो, तो थोड़ी सहन करेगा। अधिकार से पहले उपकार की बात सोचना चाहिए। हाँ, तीसरा बोलो, हैं? और उपकारी बनने के लिए वीतरागी बनो। राग की पूर्ति में लगे रहोगे आप, किसी का उपकार नहीं करोगे। इच्छाओं को, इंद्रियों को, मोह को जीतने की कोशिश करोगे तो उतना उपकार कर पाओगे। मुंडाज जैसे उपकार करते वैसे अपन नहीं कर पाएंगे। भगवान कैसा उपकार किया उन्होंने, उपकारी बनने के लिए वीतरागी बनना होगा। राग की पूर्ति मत लगे रहो। हाँ, आगे बोलो। हाँ, सार्थक वचन बोलो, निरर्थक वचन मत बोलो। बस हो गया, बस बहुत है। समझ में आया कि नहीं, विचार करना, अध्यात्म में भी लगाना और लौकिक जीवन में भी लगाना। वही गाड़ी बाहर ले जाती है, वही गाड़ी घर लौट आई, दिशा बदलनी है केवल। उन्हीं पांवों से बाहर जाते हैं, उन्हीं पांवों से भीतर आते हैं।
बताओ, जिस ज्ञान से बाहर देखते हैं उसी ज्ञान से भीतर भी देख सकते हैं। जो दूसरे का दोष देख सकता है अपना भी दोष देख सकता है देखना चाहे तो, लेकिन दूसरे का दोष दिखता है और अपना दोष नहीं देख पाता, ये अहंकार है। जब दूसरे का देख सकते हैं तो अपना क्यों नहीं देख सकते, ये बता। अपना देखना सरल है, अपने घर में रहना सरल है कि दूसरे घर में घुसना, कल बता। अन्याय मत करो, न अपने के प्रति, न अपने प्रति, न किसी के प्रति अन्याय मत करो। जो समय तुम्हें आराधना के लिए लगा है, काय में तुम विकथा में बर्बाद कर रहे हो, सोने में कमा रहे हो, खेलने में कमा रहे हो, खाने में कमा रहे हो, कमाने में कमा रहे हो, जोड़ने में कमा रहे हो, लड़ाई झगड़े में कमा रहे हो, विकथा में कमा रहे हो, अन्याय है भाई, अन्याय है, अन्याय मत करो। अपने समय का, शक्ति का, बुद्धि का, जो कुछ भी आपके पास है, जो लगता है ये हमारा है, हमारे पास है, ये सब अध्रुव हैं, आत्मा ध्रुव है, इनका सदुपयोग करो, अन्याय मत करो। ओम नमः। विचारना, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, ओ वाणी मन सत सदा देत मुझे।